हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी ये फार्मूला हमने सीखा है जिसका नाम है लेन। तो ये लेन काम क्या करेगा, देखिए ये कैरेक्टर्स को गिन के बताएगा। यहां पर भी वही काम है। अब यहां पर दो चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, एक ln मिलेगा और एक मिलेगा लेन। तो आपको लेन ही लेना है क्योंकि हम यहां पे कैलकुलेट करने वाले हैं लेंथ। तो यहां पे लेन ले लीजिए और यहां पे इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेम यही काम आप करते हैं एक्सेल में भी, ठीक है। लेकिन अभी बात कर लेते हैं लेफ्ट की, ठीक है। लेंथ तो हो गया, अब ये कैरेक्टर 17 बता रहा है, विथ स्पेस ये काउंट करके बताएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, विथ स्पेस ही काउंट करेगा ये। अब यहां पे लेंथ फार्मूले की बात तो हमने कर ली, अब लेफ्ट फार्मूले की बात करते हैं। देख सकते हैं लेफ्ट फंक्शन हमने लगा लिया है और अब इसको सेलेक्ट करना है क्योंकि इसी से आपको ढूंढना है। अब देखिए लेफ्ट से ये काउंट करना शुरू करेगा। अब लेफ्ट का मतलब क्या हुआ, यहां से 1 2 3 ये स्पेसेस को भी काउंट करेगा। तो यहां पर कॉमा देता हूं और लेफ्ट से हमें कितने कैरेक्टर्स चाहिए, तो सपोज कीजिए कि 4 कैरेक्टर चाहिए। तो बस अब एंटर कर दीजिए। अब देखेंगे कि लेफ्ट से 4 कैरेक्टर यही है ना है। यहां देखिए स्पेस को भी, मैंने बोला था स्पेस को भी ये काउंट करेगा, तो देखिए स्पेस को भी काउंट ये कर रहा है, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है। अब देखिए यहां पर अगर मैं आता हूं और यहां पे कर देता हूं राइट, आर आई जी एच टी, तो ये राइट लगा दिया। अब ये राइट से काउंट करेगा, तो इसको सेलेक्ट कीजिए। राइट से हमें 2 कैरेक्टर दे दीजिए, तो राइट से 2 कैरेक्टर क्या होगा, जे होगा। एंटर प्रेस करता हूं तो केवल यहां पे जे दिखा रहा है, ठीक है। इसी तरह से फिर एडिट करता हूं और इस बार क्या करता हूं, यहां पे कर दूंगा मैं 5 कैरेक्टर। तो ये 5 जैसे ही करेंगे तो ये 5 कैरेक्टर में से 4 कैरेक्टर लेके आएगा। तो देखिए एक तो स्पेस हो गया, स्पेस को तो देगा नहीं ये, और बाकी सारे कैरेक्टर्स यहां पे दे रहा है, ठीक है। आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी कि इसको कैसे यूज करना है। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।